हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। किवें तुसीं सारे ठीक हो? मैं रेशमा स्कूल च पढ़ाउनी हाँ। मैं तुहाडी पंजाबी दी मैडम कांता हाँ। ते तुसीं सब तो पहला, मैं तुहानूं पढ़ाउण तों पहला एक गल कहना चाहूँगी कि दी स्मार्ट स्कूल का जिहड़ा यूट्यूब चैनल है, तुसीं उहनूं सबसक्राइब करो तां कि तुसीं रोज़ नवीं वीडियो, सिंगिंग वीडियो जां कोई होर एक्टिविटी है जां कोई लैसन है टीचर पढ़ाउंदे है, तां तुसीं अपनी जिहड़ी उहनूं वीडियो नूं देख के अपनी जिहड़ी पढ़ाई नूं जारी। साधन है जिस नाल मनुख अपने मन दे विचार अते मनोभावां नूं दूसरे मनुखां नाल साझा करता है। भावें भाषा नूं प्रगट करन दे साधन वक्रे वक्रे हन, जिवें इशारे नाल, जां तस्वीरां वाहीं। हुण भाषा ने एक अजोका रूप उच्चार की बोली जिहड़ी कहा जाता है। नंबर दो, टकसाली साहित्यक जां टकसाली बोली। यह बोली जिहड़ी आपां लिखती रूप दे विच करदे हां, लिखती रूप च
मैं तुम्हें एक बार पूछो फिर सारा बोल के समझा दी हाँ तो तुम समझ आ सकती। ये पंजाबी व्याकरण के लिया गया कि भाषा या बोली की है। भाषा या बोली एक अजिहा साधन है जिस राय मनुख अपने मन के विचार मनोभावान दूसरे मनुखों न साझा करता है। भावें भाषा को प्रगट करने के साधन वखरे वखरे है कि जिमें इशारे जसीरा वा के हूँ ये भाषा ने एक अजोखा रूप ले लिया है। हूँ यह बोली शब्द है जोड़ा ये अपने बोल तो ही बढ़िया ये भाषा या बोली हूँ लिखी भी जान लग पी है। ये दो प्रकार की होंगी है एक आम बोलचाल की बोली दूजी साहित्य टकसाली बोली। हूँ जी आम बोलचाल की बोली एक होंगी है जी आप रोजाना गलबात करते समय आप वरतों के लिया रोज़ गल करते हैं वो होंगी आम बोलचाल की बोली। दूजा नंबर साहित्य या टकसाली बोली ये बोली जी लिखती रूप के आप जी वरतों करते हैं उसनों आप लिखती साहित्य या टकसाली बोली कहते हैं उसनों आप लिखती साहित्य या टकसाली भाषा कहा जाता है। हूँ मैं नंबर दो से तुम्हें व्याकरण में दस लगी हाँ कि लिपि की है। भाषा या बोली जो आप लिखती रूप के प्रकट करने जेडे जेडे अक्षर की ज चिन्ह की वरतों की जाती है उन्होंने समूह को ही लिपि कहते हैं। भाषा या बोली लिखती रूप के प्रकट करने जेडे अक्षर या चिन्ह की वरतों की जाती है उस समूह को आप लिपि कहते हैं। नंबर एक जी पंजाबी भाषा को लिखने लिए गुरमुखी लिपि की वरतों की जाती है। नंबर दो जी हिंदी भाषा को आप लिखते हैं वो देवनागरी लिपि की वरतों की जाती है। नंबर तीन जो आप अंग्रेजी भाषा को लिखने वरतों करते हैं तो उसमें रोमन लिपि की जी वरतों की जाती है। हूँ बच्चे तुम मैं पांच क्वेश्चन देन लगी हाँ बल्कि जो भी तुम मैं व्याकरण टॉपिक बारे समझाया है वो पांच क्वेश्चन दस रही हाँ जिमें बोली या भाषा किसू कहते हैं। दूजा क्वेश्चन बोली या भाषा किन्ने प्रकार की होंगी है। तीजा प्रश्न लिपि किसू आखते हैं तो पंजाबी बोली लिपि का नाम की है। चौथा प्रश्न साहित्यक या टकसाली भाषा की है। पांचवा क्वेश्चन आम बोलचाल की भाषा जी की है। तुम इन सारे के आंसर है जी वो पंजाबी व्याकरण का जो मैं तुम्हें टॉपिक समझाया है उस विचों ही तुम इन्हों के आंसर ज उत्तर लभनगे। तुम इन बड़ी सुंदर लिखाई के लिखना है और याद करना है। एंड विच मैं तुम्हें फिर कह लगी हाँ कि दी स्मार्ट स्मार्ट स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है वनू सब सबसक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद।